हेलो फ्रेंड्स, रानीस किचन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मलाई कोफ्ते की रेसिपी, जिसे आपने रेस्टोरेंट में तो खाया ही होगा। तो चलिए आज आप अपने हाथ से बनाइए और इसका मजा लीजिए। आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, कोफ्ता बनाने के पहले हम इसकी करी तैयार कर लेते हैं। इस पे ऐड करेंगे 2 टीस्पून खाने का ऑयल एंड काफी सारा मक्खन। जब ये मेल्ट हो जाए तो इस पे ऐड करना है तेज पत्ता, बड़ी इलायची, काली मिर्च एंड लौंग, 1/2 टीस्पून जीरा। अब इस पे ऐड करेंगे बारीक कटे प्याज। प्याज को हमें ज्यादा ब्राउन नहीं करना है, इसे हल्का पिंक कलर तक ही भुनना है। याद रहे फ्रेंड्स, प्याज को ज्यादा ब्राउन नहीं करना है। प्याज जब हल्का गुलाबी हो जाए तो इस पे ऐड करेंगे बारीक कटी हरी मिर्च, अदरक के छोटे कटे पीसेस, लहसुन के पीसेस कटे हुए। थोड़ी देर इसे पकाने के बाद इस पे ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून नमक। थोड़ा इसे मिक्स करने के बाद अब इस पे जाएंगे बारीक कटे टमाटर। अगर आपने प्याज 2 लिए हैं तो टमाटर 4 लेने हैं। टमाटर की मात्रा उससे डबल रहेगी प्याज से। हाई फ्लेम कर दीजिए थोड़ा। टमाटर को हमें ज्यादा नहीं पकाना है। अब इस पे ऐड करेंगे बादाम के पीसेस 10 से 12 एंड 10 से 12 काजू के पीसेस। वाटर ऐड करेंगे। इसे लो फ्लेम में पकने देंगे जब तक टमाटर पक न जाए एंड काजू अच्छे से नरम न हो जाए। हम कोफ्ते की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं 3 बॉईल किए हुए आलू। अच्छी तरह इसे मैश करेंगे। इस पे ऐड करेंगे 100 ग्राम मैश किया हुआ पनीर। इसे भी मिक्स करेंगे अच्छी तरह। पनीर से कोफ्ते काफी सॉफ्ट बन जाते हैं एंड टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। 3 टीस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून बादाम के बारीक कटे पीसेस,
2 टीस्पून काजू के बारीक कटे पीसेस। 5 मिनट्स हो चुके हैं, अब हम इसे चेक कर लेते हैं। टमाटर पक चुके हैं एंड काजू भी नरम हो चुके हैं। अब टाइम है इसे फ्लेम को ऑफ कर देने का और इसे ठंडा होने दीजिए। 1/2 टीस्पून देगी मिर्च डालेंगे, इससे इसका कलर अच्छा आएगा कोफ्ते का। अब इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अच्छी तरह हमने इसे मिक्स कर लिया। मलाई कोफ्ते का पेस्ट भी मलाई की तरह ही सॉफ्ट दिख रहा। अब इस पेस्ट को कोफ्ते का शेप देते हैं। हाथ पे हमने थोड़ा सा खाने का ऑयल लगा लिया है पेस्ट को लेके। किसी भी शेप में आप इसे बना सकते हैं, चाहे तो गोल बना लीजिए इस प्रकार। और अगर आपको इसका लुक चेंज करना है, कुछ न्यू ट्राई करना है, तो आप इसे शेप में भी बना सकते हैं। बाइंडिंग के लिए इसमें मैंने कॉर्नफ्लोर यूज किया था। अगर आप चाहें तो उसकी जगह पे मैदा या ब्रेड का चूरा भी यूज कर सकते हैं। इस प्रकार आप शेप बना के रख लीजिए। जब आप रेस्टोरेंट पे जाते हैं तो मेन्यू देख के बड़ा अच्छा लगता है कि वाह, मलाई कोफ्ता, नवरत्न पुलाव, सारी चीजों को देख के बड़ा अच्छा लगता है कि हम भी इसे बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं। मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपके लिए इजी से इजी और अच्छी से अच्छी रेसिपीज लेकर आऊं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक तो बनता है, प्लीज लाइक कर दीजिए। इस प्रकार हमने सारे कोफ्ते को बना के तैयार कर लेना। सारे कोफ्ते बना लिए हैं। तेल गर्म हो जाए तो इसे लो फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। इसे राउंड घुमाते हुए ब्राउन होते तक फ्राई करना है। फ्लेम लो ही रहेगी क्योंकि इसमें आलू और पनीर है, हाई फ्लेम में वो जल्दी जल जाएंगे। देखिए ब्राउन कलर आ रहा। जब इतना ब्राउन हो जाए तो इसे हम एक ट्रे पे निकाल लेंगे। इसी प्रकार लो फ्लेम में सारे पीसेस को फ्राई करना है। अगर आपको लगे कि तेल ठंडा हो रहा तो फ्लेम हाई कर लीजिए। थोड़ी देर के बाद आप इसे फिर लो कर दीजिए। इसे भी इतना ब्राउन हो जाने पर निकाल लेना है। अपने हाथ की बनाई चीजें वाकई में बहुत टेस्टी हो जाती है। सारे कोफ्ते हमने फ्राई करके रेडी कर लिए हैं। अब बारी है करी को फ्राई करने की। जब तक हमने कोफ्ते फ्राई किए, करी ठंडी हो चुकी है। अब इसे फ्राई करते हैं। इससे हम तेज पत्ता बाहर निकाल लेंगे क्योंकि इसका सारा फ्लेवर इस पे आ चुका है। इसे एक जार में डाल के बारीक पीसना है। इसे हमने बारीक पीस लिया है। बन गई ना मलाई जैसी करी। इस पे थोड़ा पानी ऐड करके हम इसे छान लेंगे। अब इसे पैन पर डालेंगे। इस पे ऑयल या घी या मक्खन कुछ ऐड नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी हमने स्टार्टिंग में बहुत सारा मक्खन डाल दिया था। छानने का ये फायदा है कि खड़े मसाले के जो रेशे होते हैं वो निकल जाते हैं। अब इस पे ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून नमक। अब इस पे जाएगी थोड़ी सी कसूरी मेथी। पानी ऐड किया हुआ है, थोड़ा इसे पका लेंगे। अब इस पे ऐड करेंगे 2 टीस्पून फ्रेश मलाई। लीजिए फ्रेंड्स, रानीस किचन की मलाई कोफ्ते की करी तैयार है।
आइए अब इसे कोफ्ते पर डालते हैं। जो ग्रेवी तैयार हुई है वो बिल्कुल मलाई की तरह सॉफ्ट है। आइए अब हम इसे सर्व करने के लिए रेडी करते हैं। एक बात याद रखनी है कि कोफ्ते पर ही ग्रेवी डालनी है, कोफ्ते को ग्रेवी में नहीं डालना, नहीं तो इससे वो टूट जाएंगे, क्योंकि वो भी काफी सॉफ्ट हैं, मलाई की तरह वो भी बने हुए हैं। लीजिए इस तरह हमें इसके ऊपर इसे डाल देना, अच्छी तरह इसे कवर कर दीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरे हर नए वीडियोस की अपडेट पहले से पहले मिल सके। इस पे हम फिर से ऐड करेंगे मलाई, बारीक कटा हरा धनिया। जी फ्रेंड्स, रानीज किचन का मलाई कोफ्ता तैयार है।